मतलब मुझे मजा आ गया एक्चुअली में, मुझे बहुत अच्छा लगा अनिकेत भाई से पर्सनली मिलके। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, दिस इज अनिकेत सिंह फ्रॉम स्टूडेंट फिजिक्स एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो ये वीडियो उस व्लॉग का पार्ट टू है जो कि मैंने कुछ दिन पहले डाला था, जो कि था एक मीटअप के बारे में जो कि निखिल नोटियाल भाई ने रखा था 7th of October को कनॉट प्लेस में। सो मैं भी वहाँ पे मिलने गया था एंड आई जस्ट शूट अ व्लॉग। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विद यू गाइज। सो जिसने पार्ट वन नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से मैन, एंजॉय द वीडियो। Yo, I'm deep in the game, yeah. So you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah. Everybody knows my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. That shit is so overplayed, yeah. Parties, they all look the same, yeah. Parties, they all look the same, yeah. I'm here to change everything. ये ध्यान देने का ज़्यादा मन हुआ कि muscles की definition अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस time Jeff Seed को शायद आप जानते होंगे। हाँ, Jeff Seed। Jeff Seed है। ये कौन से की बात है? कौन से साल की बात है? ये है 2013 और 14 के बीच। मैं नंबर 12 की तो उसमें क्या है, उस दौरान मैंने उनको देखा, मैंने बोला इससे बेटरिंग बहुत अच्छी है और ऐसा बनना चाहिए। क्या उस वजह से फिर मैंने बॉक्सिंग कोट कर दी और उसके बाद मैंने फिटनेस में जिम वगैरह स्टार्ट किया। इसी के साथ साथ मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो 2013 मिड से लेके 2014 तक पूरा अच्छे से फिटनेस में पढ़ाई करी। अच्छे से मैंने एकदम से अपनी फिजिक पर ध्यान दिया, ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दिया। उसके बाद मैंने आपने शायद अपने रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन वाली देखी थी, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और फिर ऐसा होने लगा कि जब मैं जिम जाता था तो आप ही की तरह सेम मुझे ऐसे लोग ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होना, बॉडी खराब, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके वो नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, बड़े हो जाएंगे और आपके टेस्टिकल्स छोटे बड़े हो जाएंगे। सब मिथ्स है। मैंने माने अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी ऐसे पर्सन से पूछ रहे हो जो एजुकेटेड भी है उस पर्टिकुलर चीज में। अब आप स्कूल में पानी बोले टीचर ऐसे नहीं होंगे कि बस सुनी सुनाई बातों पे वही आपको ऊपर पकड़ा देंगे, आपके ऊपर छोड़, ऐसा नहीं होता। सारे हाँ बिल्कुल, जिन चीज़ों के ऊपर साइंटिफिक प्रूफ है वही चीज़ पे तो आप यकीन करोगे। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि इंसान मर रहा है तो आप जब तक उसे विटनेस नहीं करोगे, कोई स्टडी नहीं होगी, तो आप कैसे यकीन करोगे। ये बात है, जितनी भी सारी चीज़ें होनी चाहिए वो साइंस प्रूफ होनी चाहिए, साइंस बैकग्राउंड के साथ। हाँ तो यही है, मेरे को भी काफ़ी लोग बोलते थे पचाएगा, मैंने भी ये सारी चीज़ें सुनी, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सर बदले पर ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ऐसे ही अगर आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है तो लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है बोल। आज भी ऊँचा चढ़ते थे तो फिर गिराने का यही बात, तरक्की करते कोई किसी और को अपने ऊपर नहीं देख सकता। सबसे बड़ी दिक्कत आजकल के लोगों की ये है। तो आप बताओ, मैं बिल्कुल बिल्कुल आप कुछ अगर आप पूछना चाहते हो। मैं बचपन में प्रोटीन एक्स पीता था तो ये लोग मेरे को बोलते थे प्रोटीन एक्स मत पी, हाई की जाएगी तो ये देखो यार भाई ये गलत बात है भाई, वो आपसे छोटा है पहली बार, एक और दोस्त वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटीन एक्स से क्या, इस चीज़ को खाने से आपकी हाइट थोड़ी रुक जाएगी। हाइट कहाँ से बढ़ती है, हाइट बढ़ती है आपका जब पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बार बार हाइट ग्रो करने के लिए। तो जब सारी चीज़ें इंटरनली हैं तो किसी चीज़ को खाने से आपका क्या वो रिलेशन है। हाँ ये है कि अगर आप फूड पटांग चीज़ खा रहे हो, जैसे जंक फूड ही खा रहे हो सुबह से लेकर रात तक, तब फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नेचुरली चीज़ जितनी भी हमारी वेस्टर्न डाइट है, जिसमें क्या है हमारे पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज ये सब, ये सारी वेस्टर्न डाइट है, ये कुछ नहीं है, ये कचरा है बस। बिल्कुल कचरा ही है ये, लिटरली कचरा। पिज्ज़ा ठीक है, एक दिन खा लिया आपने, दो हफ्ते में तीन हफ्ते कभी कभार चल जाता है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुबह पिज्ज़ा खा रहे हो, दोपहर में भी पिज्ज़ा खा रहे हो, शाम को बर्गर खा रहे हो, रात में आइसक्रीम खा रहे हो, ये सब लो न्यूट्रिएंट फूड है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये जीरो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वो बिल्कुल एकदम बेकार, वो आपने अवॉइड करना है। जो प्रोटीन है ऐसे मत खाओ। देखो पता है क्या होता है, मेन चीज़ क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी रास्ते से भटक जाते हैं, इसीलिए कभी भी अपने से छोटे को ना हमेशा सही ज्ञान दो, बड़ों को दे दो जितना मर्जी दे, छोटों को गलत मत दो, ऐसा होता है। भाई बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये यही फ्यूचर है हमारे आगे का। बिल्कुल याद रखना, अभी वैसे आप भी छोटे ही हो लेकिन फ्यूचर हमारा यूथ ही है, कल को हमें भी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यूथ हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस दी जाए। मैं मतलब, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस ये है कि जो यूथ है, क्योंकि यूथ का जो एरिया है, जो यूथ का एरिया है वो बहुत बड़ा है, और यूथ ही ऐसी चीज है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। हमारा ये नहीं है कि यार एक दो जनों को सही कर दिया, नहीं, हमारा मकसद ये है कि पूरे इंडिया को कवर करना है, ये थोड़ी है कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली को करना है, दिल्ली के अलावा यार और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, पूरी स्टेट्स को कवर करना है, 28 स्टेट्स में कम से कम करोड़ों तो बच्चे हैं। बिल्कुल, और करोड़ों बच्चों को सही रास्ता दिखाना है। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, अभी फरवरी से मैंने अपन तुम्हारे स्टार्ट कर दिया था, तो वेट भी कम था, तो एक्सरसाइज से वेट पे डाल दिया, सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया सर मैंने, शुरू से इतना स्टैमिना बना कितनी बढ़ गई, कितनी पट्टी करते प्री वर्कआउट ये सब बोलते से ऐसे कि मेरे मन की शांति के लिए सब के लिए, हाँ भाई ठीक है, तो प्री वर्कआउट जो मेरा नेचुरल फूड हो गया जैसे पीनट बटर ब्राउन ब्रेड हो गए सर, एप्पल्स हो गए, बीट्स के जूस हो गया, ऑर्गेनिक भी होता है करता भी है, एनर्जी प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, अच्छा तो जिम में करता है दो बार, वो भी देखता है तो दो दो घंटे पास कैसे कर लेता है, अच्छा वेट भी अच्छा करता है, प्लस स्टैमिना, प्लस स्टैमिना वो इंक्रीज है, उसको देखते 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 सर दो तीन जिम में मेरा, मैं जिम ट्रेनर बन चुका हूँ। ओह भाई, मैं आपको जिम के सारे पिक्स वगैरह जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको दिखाऊंगा, टैक्स जरूर करूँगा सर, पहले मुझे इतना इंस्टाग्राम में नहीं भी आया हूँ मैं, तो डीएम जैसे आप डालते थे डीएम क्या लिखा हुआ है आपने, वहाँ पे पैसों की लगा पैसों का आपने एक रिची रिच वाला लगा रखा था, मैंने की मोटिवेशन जब सर फर्स्ट मेरे को ऑनलाइन ट्रेनिंग के बैंगलोर से मैसेज केरला से आया था, गवर्नमेंट जॉब में नितेश नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छी वेट बढ़ाना, उन्होंने कहा था फीस कितने आप कितने लेते हैं, तो मैंने कहा सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस मेरे बैंगलोर में कज़न रहते हैं, जब भी मैं वहाँ पे आऊँगा तो आप मेरे को ट्रिप घुमा देना, बहुत फीस होगी और मेरे ठीक है, तो उनको सप्लीमेंट पर गाइड देते हैं, तो उनसे गाइड कर देता हूँ, इससे सर मेरे फॉलो कर देता हूँ, वेजिटेरियन है तो मेरे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, अभी बिगिनर ही हूँ सर, तो जितना अभी जितना मैं आपसे तो क्या करना चाहिए सर, यूट्यूब में उनका गाइड बुक्स पढ़ता हूँ सर, कौन सी बुक है भाई, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की सर एक भी ब्लैंक मेरे फ्रेंड ने दी थी फिर एक दो महीने पहले ही, तो वही वो इंग्लिश में लिखी हुई है सर, तो इंग्लिश में थोड़ा आर्टिकल होगा इंडियन का, नोट आते थे तो मैं हाँ ये प्रॉब्लम, तो गूगल ट्रांसलेट कर रहा है भाई। एक क्वेश्चन था, आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो ज़्यादातर क्लाइंट्स की मेन गोल क्या होता है, फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग या फिर क्या होता है उनका मेन गोल? सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कौन से एज ग्रुप का है, अगर वो 30 से ऊपर है अच्छा तो हमेशा उनका फैट लॉस ही होगा मैक्सिमम फैट लॉस, अच्छा अगर वो 30 से कम है जैसे यूथ है, यूथ का सबसे ज़्यादा फंडा होता है वेट गेन का, मसल गेन का, या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वेट गेन करने में, जो कि मोस्टली क्या है जो बच्चे हैं ना आजकल के, उनके पेरेंट्स उनको वो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, उनको लग रहा है कि वो रोटी खा लेंगे, वो ये खा लेंगे, तली हुई सब्जी खा लेंगे, ये तेल यूज करके, वो तेल यूज करके, वो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो पेरेंट्स को देखो एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है घर का खाना, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी ये डिपेंड करता है कि उस घर के खाने में है क्या। दो टाइप के फूड होते हैं, एक होता है न्यूट्रिएंट डेंस और एक होता है कैलोरी डेंस, डिपेंड करता है कि आपका फूड कैसा है, कैलोरी डेंस है या न्यूट्रिएंट डेंस है। न्यूट्रिएंट डेंस वो होता है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, आपके विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, तो वो एक न्यूट्रिएंट डेंस होगा। कैलोरी डेंस में क्या है, सिर्फ कैलोरी कैलोरी, लाइक पीनट बटर, कुछ भी नहीं, पीनट बटर काफी कैलोरी डेंस फूड है या फिर हमारा जंक फूड भी है,
जब हम पीनट बटर की बात करते हैं तो पीनट बटर क्या है, एक फैट का सोर्स है, हेल्दी फैट का सोर्स है। उसमें भी डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का, उसमें भी आपके सैचुरेटेड फैट भी है, ट्रांस फैट भी है, अनसैचुरेटेड। मैं तो भाई घर पे ही बना लेता हूं, तो होता ही है घर पे बनाते हो। हां, ये अभी जल्दी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, काफी इजी रेसिपी है, उसमें ज्यादा कोई बिल्कुल जरूर करिएगा, मुझे भी टैग करिएगा, मैं भी घर में बनाने के लिए ट्राई करूंगा। तो भाई अब बात रही पीनट बटर की रेसिपी की, तो कुछ दिनों में मैं अपने चैनल पे वो रेसिपी को डाल दूंगा, और काफ़ी इजी रेसिपी है एंड काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो ऐसा है कि मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विद टाइम सीखनी बाकी है। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में हो उसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है। yeah. क्योंकि विद टाइम नई रिसर्चेज आ रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें विद टाइम अपडेट करना पड़ता है, हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो जब आप पर्टिकुलर ये सोचिए, जब हमारे ब्रेन के बारे में एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो ये पता लगा था कि इंसान सिर्फ अपना 3% ब्रेन यूज नहीं करता, भी यूज नहीं करता। तो जब ब्रेन के बारे में आपको ऑलमोस्ट 3% भी नहीं पता, तो अंदर पूरी बॉडी के बारे में आप सोचो ना, इतनी सारी चीजें। और विद टाइम आपको नई चीज पता लग रही है, आप इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, फेसबुक आप यूज कर रहे हो, रोज कोई ना कोई ऐसी फीड आ जाती है कि जो आपको लगता है यार ये तो मुझे पता ही नहीं रहता। तो आप पढ़ने में आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और उतना ही आपका जो रीच है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। पढ़ना बस पढ़ना कभी खत्म नहीं होता। एंड आफ्टर दैट हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करी और निखिल भाई ने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए, सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू निखिल भाई, आपने जो हमें गिफ्ट दिए। तो निखिल भाई ने हमें बस छोटे मोटे गिफ्ट दिए हैं, जो छोटे मोटे नहीं काफी बड़े गिफ्ट दिए, काफी बड़े बड़े जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी उनके क्लोज वगैरह आते हैं वो हमें दिए हैं। तो निखिल भाई के लिए थैंक यू, जितने भी सारे बंदे आए हैं कोई ऐसे तो नहीं भाई जो बच गया हो, भाई ने जो हमें क्लोज वगैरह दिए और जो मिलने के लिए आए, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो क्लोथ्स मैंने इनको प्रोवाइड करे हैं दैट इज़ फ्रॉम एस्थेटिक नेशन, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर उन्हें एक बार ज़रूर चेक करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके जो कपड़े हैं वो मैं बहुत टाइम से खुद पहन रहा हूँ एंड कंफर्टेबल हैं, बहुत ही स्ट्रेचेबल हैं, लॉन्गिटिविटी है कपड़ों में, ऐसा नहीं है कि आप आज पहनोगे कल ख़राब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो तो इसीलिए मैं भी एस्थेटिक नेशन पर उतना ही भरोसा करता हूँ, और इसीलिए मैं बहुत टाइम से पहन रहा हूँ उनके कपड़े और इसीलिए प्रमोट करता हूँ। भाई कभी भी ऐसी कंपनी प्रमोट नहीं करेंगे जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार एस्थेटिक नेशन को ज़रूर चेक करें। बिल्कुल, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, भाई शायद वो डाल देंगे। और आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरा एक कोड यूज़ कर सकते हैं Nikhil5, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 5% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, और हर महीने इनका नया स्टॉक आता रहता है, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज में कपड़े मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर बॉयज बट फॉर गर्ल्स आल्सो। तो जो भी देख रहा है प्लीज एक बार जरूर चेक करें, काफी अच्छी क्वालिटी है। तो थैंक यू भाई। अरे कोई